मेसन अलाम्ब्रा की एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो कि मैंने रिसेंटली परचेज की थी, एंड सीरियसली दिस वन स्मेल्स टू गुड एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंस एज वेल। जानेंगे इसकी सेंट प्रोफाइल, इसकी परफॉर्मेंस और किस डीएनए को कॉपी करता है इन डिटेल। बट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू फ्रैग फ्रैग, जहां मैं ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिएगा इस पूरी रिव्यू को, सो स्टे ट्यून एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग फ्रैग फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे मेसन अलाम्ब्रा ब्रांड की तरफ से आने वाले जीन लोए मैथियर फ्रेग्रेंस के बारे में। देखिए वैसे जो ये फ्रेग्रेंस है, ये क्लोन है लुई विटों के मैथियर नोयर फ्रेग्रेंस का। अब ये वाकई बहुत ही महंगी फ्रेग्रेंस है, मैंने इसको कभी फिलहाल तो अभी चेक नहीं किया है, ना ही मेरे पास इसका डिकेंट है। बट सीरियसली इन ईयर ये काफ़ी अच्छा स्मेल करता है एंड यू विल गोना लव दिस फॉर श्योर। वैसे बात करेंगे इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। ओवरऑल इसकी बॉटल का अगर आप लुक देखेंगे तो ये काफ़ी क्लोजली मैच करता है सेम लुक जो मैंने जीन लोए एक इमोर्टल फ्रेग्रेंस थी उसका मैंने कवर किया था, और ऑलरेडी मैंने उसका रिव्यू अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। सेम कुछ उसी तरह डिज़ाइन है। वैसे अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने लिंक आई बटन में मेंशन किया है, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट हैव अ लुक ऑन द आउटर बॉक्स एंड बॉटल प्रेजेंटेशन। आउटर बॉक्स एक कार्डबोर्ड मटेरियल का है जिसके फ्रंट में परफ्यूम नेम, 3D लोगो एट द टॉप एंड एट द बॉटम ब्रांड लोगो अलॉन्ग विद EDP एंड 100 ml वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है। टॉप में ब्रांड लोगो इम्प्रिंट किया हुआ है। बैक साइड में अगर हम देखें तो इन्होंने इंग्रीडियंट्स मेंशन किए हैं जो इस परफ्यूम के क्रिएशन में यूज हुए हैं। बॉक्स के बॉटम साइड में बैच कोड एंड अदर डिटेल्स आर मेंशनड। इनर बॉक्स एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड मटेरियल का है जिसके फ्रंट में सेम डिटेल्स जो आउटर पैकेजिंग में थी वही मेंशन की है। बॉटल का अगर लुक देखेंगे तो सेम इमॉर्टल की तरह ही मैच करता है। फ्रंट में परफ्यूम नेम मेंशन है एंड परफ्यूम ऑयल जो है वो पर्पल कलर का है। इस फ्रेग्रेंस के नोट्स के ब्रेकडाउन की बात करें तो इसके इनिशियल नोट्स में आपको एक ब्लैक करंट का लिक्रिश, स्वीट सिरिपी जूसी काइंड ऑफ एक अरोमा मिलेगा जो कि अंडरटोन में एक एक्वाटिक वाइब को भी आपको महसूस कराएगा। अब जो इसका इनिशियल जो ट्रांजिशन है ये 20 से 25 मिनट तक बना रहता है। मिडल नोट के ट्रांजिशन में वैसे तो उन्होंने रोज का नोट मेंशन किया है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जो रोज की स्वीट और स्पाइसी अंडरटोन अकॉर्ड है वो आप इनिशियल नोट से ही आप महसूस कर पाएंगे, बट मिडल नोट में काफ़ी उभर के प्रोमिनेंटली आपको फील होगा ड्यू टू इट्स ब्लेंड विद सिक्लेमन जो कि स्पाइसी अकॉर्ड को एक डेप्थ प्रोवाइड करता है। अलॉन्ग विद दिस आपको इसमें एक फ्रेश ग्रीन नुआंसेस भी मिलेंगे विद व्हाइट फ्लोरल्स एज वेल। बेस नोट के ट्रांजिशन में इस फ्रेग्रेंस में जो पचुली का नोट है वो हर्बल नुआंसेस को मेंटेन रखता है और उसको बैलेंस प्रोवाइड करता है। वहीं जो ये ग्रीन नुआंसेस का ब्लेंड है ये ऊद के स्मोकी डार्क वुडी कैरेक्टर के साथ ब्लेंड होता है, और जो ऊद का कैरेक्टर है ये कंबाइन होता है बेंजोइनर इंसेंस की स्वीटनेस के साथ, जिसकी वजह से इनिशियल नोट्स का जो ट्रांजिशन था उसके जो एलिमेंट्स थे वो यहाँ तक बैलेंस रहते हैं और ऊद का जो कैरेक्टर है ओवरऑल वो भी बैलेंस रहता है। बात करें अगर इस फ्रेग्रेंस के प्राइस पॉइंट की तो ऐसी 100 ml की बॉटल अभी आपको 1700 से 1800 रुपीस के बीच में मिल जाएगी, और अगर आप भी इस फ्रेग्रेंस को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने सेलर्स के नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं, आप इसे वहां से वाया कॉल एंड व्हाट्सएप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वेरिएबिलिटी की बात करें इस फ्रेग्रेंस की तो दिस वन इज अ कंप्लीटली विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस, बट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप इसको हल्की ठंडक भरी इवनिंग्स में भी आप इसको वियर कर सकते हैं। सिर्फ 4 से 5 स्प्रेज वुड बी इनफ फॉर द डे, और इसके जो सडन विप्स हैं वो आपको श्योरली आपको अमेज कर देंगे। जो सेंट बबल आपके अराउंड क्रिएट करता है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दिला सकता है। बात करें फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी फ्रेग्रेंस को जज करने के लिए, तो लॉन्जिविटी इन स्किन इजीली इसकी 8 से 9 घंटे की है। कपड़ों पर ये पूरा दिन तक टिकता है। प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 2 घंटे का इसका प्रोजेक्शन है, और सेंट बबल आपके अराउंड जो ये क्रिएट करता है उससे आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं। वैसे इसी परफॉर्मेंस फैक्टर को मैंने और डीपली समझने के लिए मैंने इसे रैंक किया आउट ऑफ 30 एंड डिवाइड किया विद इन 3 फैक्टर्स जो कि हैं प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग। सो प्रोजेक्शन में इसको मिलते हैं सॉलिड 8.5, लॉन्जिविटी में इसको मिलते हैं 9 एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग में इसको मिलते हैं 8। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 25.5। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन मेसन अलाम्ब्रा के जीन लोए मैथियर फ्रेग्रेंस का। अगर आप भी विंटर में एक रोज बेस्ड लिक्रिश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस के सर्च में हैं जो आपके अराउंड एक सेंट बबल बनाए और आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिलाए, तो आई थिंक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जिस बजट में ये आता है ये काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट और ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलूंगा जल्द आपसे नए एक अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ, तब तक बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।